जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी मेरे पास एक बंदे का कॉल आया और उसने मुझे कुछ चीजें बताई। मैं चाहता हूं कि वो चीजें आपके पास पहुंचे। और एक हादसा हुआ है जिसमें कुछ कमियां थी, वो हादसा दोबारा रिपीट ना हो, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। हालांकि इसमें जो हमारे बंदे शहीद हुए हैं, उन्हें सभी तरह का जो शहीद का दर्जा और सारी चीजें मिली हुई है, सब कुछ मिला है, पूरा सम्मान वगैरह। तो मेरा पॉइंट ये नहीं है कि उनको मिल गया, वो चीजें अच्छी हैं। यहाँ पॉइंट ये है कि ये हादसा किसी की नेगलिजेंसी की वजह से हुआ है। कम एक्सपीरियंस में एक जो कि महिला, जिनको MTO की ड्यूटी दी गई और उन्हें यह भी पता नहीं कि MTO की ड्यूटी क्या होती है। हादसा था अभी कुछ दिन पहले, आपने देखा होगा कि हमारी एक गाड़ी खाई में गिरी थी और उसमें हमारे एक जवान, तो जो कि सितंबर में ये घटना घटी थी, सितंबर में ही ऑन द स्पॉट ही डेथ कर गया था। लेकिन दूसरे जो हमारे जवान थे, NCO थे, उनकी डेथ अभी 2 दिन पहले हुई है। वो हॉस्पिटल में भर्ती थे। हालांकि जवान ने मुझे ये भी बताया कि हो सकता है अगर उनको दिल्ली रेफर कर दिया होता या दिल्ली उनको इलाज मिल गया होता तो बच जाते। लेकिन इस चीज़ की तो मैं कुछ कह नहीं सकता। जिसको जाना है, जो समय निश्चित है, उसमें कोई भी किसी की मौत को कोई नहीं रोक सकता। हाँ, लेकिन इन हादसों के जो जिम्मेवार हैं, अगर उन जिम्मेवार लोगों पर उनको पनिशमेंट नहीं दिया गया या उन पर रोक नहीं लगाई गई, तो भविष्य में फिर कोई हादसा हो सकता है। तो मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और खासकर हमारे अधिकारीगण, जो आदेश आपको सुप्रियर की जो ड्यूटी दी गई है, चाहे वो MTO की हो, CO की हो, कंपनी कमांडर की, आप पढ़े लिखे हो और इसी वजह से आपको ड्यूटी दी जाती है कि आप कमांड करो। लेकिन कभी कभी आपका जो ग्रेजुएशन है, आपकी पढ़ाई लिखाई एक्सपीरियंस के ऊपर भारी नहीं होनी चाहिए। जो एक्सपीरियंस होल्डर जो ग्राउंड में काम कर रहा है, चाहे वो जवान है, चाहे वो JCO है, उनका एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। यहां इस गाड़ी का मूव का आदेश जो MTO मैडम ने दिया था, उसमें जो गाड़ी चलाने वाले NCO हवलदार जी ने कहा था कि ये जो गाड़ी आप भेज रहे हो, इसमें हादसा हो सकता है और मैं इसको लेकर नहीं जाऊंगा। लेकिन एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से ना तो MT जो ड्राइवर था बंदा हमारा हवलदार जी, उसकी भी नहीं मानी गई। एक को ड्राइवर था वो भी गया, हमारी टाटरा गई और उसके ऊपर रखी हुई JCB गई। यहां जैसा बंदे ने बताया कि MT JCO, MT NCO और बहुत लोगों ने कहा कि ये ठीक नहीं है और इसमें हादसा हो सकता है। लेकिन वही बात है कि इनको इनकी ईगो और जो इन्होंने बात अगर मुंह से बोल दी हो या सही हो या गलत हो, ये फिर उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं। बल्कि ये कहानी ऊपर CO तक पता चली होगी, लेकिन पता नहीं क्यों CO ने भी बस उसी मैडम के कहने के अनुसार गाड़ी को मूव कर दिया, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और यह हादसा हुआ। जैसा मैं बता रहा था कि एक गाड़ी मूव कर गई थी, गाड़ी टाटरा थी और टाटरा के अंदर JCB लोड करके उसको भेजा गया था। हमारे आसाम के चौरास्ते हैं जवान ड्यूटी करे हुए हैं, जवान जिन्होंने गाड़ी चलाई या नहीं चलाई, गाड़ी के पीछे बैठ के गए, रास्ते देखे होंगे, बहुत खतरनाक और बेकार रास्ते हैं। इन रास्तों पर जो मूविंग का प्रोसीजर होता है, हमारी जो टाटरा व्हीकल होती है, अगर उसके पीछे चाहे टैंक लोड करके जाना हो या JCB कोई भी सामान लोड होता है, तो टाटरा के गाड़ी के अंदर नहीं डलता है, पीछे ट्रेला लोड होता है और ट्रेले पर ले जाया जाता है। लेकिन यहां JCB को गाड़ी की बॉडी के अंदर रखकर ले जाया गया। और जब टाटरा की बॉडी, एक तो पहले ही हाइट होती है, उसके ऊपर JCB की भी काफी हाइट होती है, और टाटरा के जो सोकर है, नॉर्मल वजन से आपको पता है, वो क्योंकि मैं खुद टाटरा ड्राइवर रहा हूं, मैंने खुद टाटरा गाड़ी चलाई है, लोडर भी और सिंगल भी, तो वो जो अनबैलेंस होती है जब चलाते टाइम, जब वो उसके ब्रेक लेते हैं या ऐसे घुमाव होता है, तो बहुत इस तरह झोल मारती है। और इन्होंने गलती की, उसके ऊपर JCB रख के, JCB में तो फिर और झोल मारेगी,
इतने मतलब घुमावदार और पहाड़ी रास्ता है, और उसमें इन्होंने बिना, अच्छा दूसरा इन्होंने गलती की कि वहां जब भी टाटरा मूविंग होती है लोडिंग, तो सीएमपी रैप होता है, रास्ते के आगे एक सीएमपी व्हीकल चलता है कि भाई कोई भी रास्ते में कठिनाई ना हो, वो भी इन्होंने नहीं की। सॉरी दोस्तों, मेरा अभी कोई एक इमरजेंसी कॉल आ गया और मुझे अभी मतलब जाना पड़ेगा, इसलिए इस वीडियो को मैं नेक्स्ट, इसकी पूरी अपडेट रात, आज रात को या कल डाल दूंगा। तब तक के लिए मैं चाहता हूँ इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये बात हमारी हायर अथॉरिटी तक पहुँचनी चाहिए इस घटना की, एक बार जांच करें। और ये हादसा जिसकी वजह से हुआ है, मैं नहीं कहता कि उनको आप पनिशमेंट दो बन दो, लेकिन कुछ ऐसा करें कि दोबारा इस तरह का हादसा ना हो। इसमें एक अफसर साहब, टाटरा जब मूव होती है एक अफसर होता है, लेकिन अफसर नहीं था, गए सिर्फ हमारे जवान। इलाज में जो हुआ है, क्योंकि कुछ घटना को छिपाने के लिए इन्होंने हो सकता है इलाज रेफर नहीं किया, वो मैं खुलकर पूरी बातें आपको बाद में बताऊंगा। बस यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि इनका जो ईगो है, ये अफसरशाही है। आज 21वीं सदी में सेनाओं में बहुत से बदलाव होना बहुत जरूरी है, और उन बदलावों के लिए, चाहे वो सहायक प्रथा हो, इनकी तानाशाही हो, उसके लिए हम लगातार लड़ रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़ें, और नेक्स्ट अपडेट में दे दूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।